नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते बैंक मित्र जी। और सब खैरियत? जी बिल्कुल सब ठीक है। आप बताइए आज इधर कैसे आना हुआ? बस माइक्रो एटीएम लेकर आया हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, आज वही रहूंगा सारा दिन। माइक्रो एटीएम? अरे इसके बारे में तो हमारी गांव की महिलाएं भी जानना चाहती हैं। तो बुला लीजिए उनको ऑफिस में, ऑफिस लेकर आ जाइए। अरे नहीं ये सब पास में ही है यहाँ पर। तो चलिए अभी मिलते हैं, चलते। चलिए। ये महिलाएं पापड़ और मसालों का काम करती हैं, इन सभी ने बैंक में खाता खोला है और अब ये अपने कमाए पैसे बैंक में रखती हैं। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आप यहाँ कुछ पापड़ मसाले चाहिए? अरे नहीं, आज मैं यहाँ पर एक खास काम से आया हूँ, आप सबकी मुश्किलें दूर करने। इनसे मिलिए, ये है बैंक मित्र जी। नमस्कार। आप सभी को आत्मनिर्भर देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मास्टर जी बता रहे थे कि आपको एटीएम के विषय में कोई जानकारी चाहिए। जी बैंक मित्र जी, एक परेशानी तो है, अगर उसका हल मिल जाता है तो अच्छा होता। जी बताइए क्या जानकारी चाहिए। बैंक मित्र जी, खाता तो हमने खोल दिया है जिससे पैसे भी अब सुरक्षित रहते हैं और ब्याज भी मिल जाता है, पर हमारे गांव से बैंक और एटीएम बहुत ही दूर है। एटीएम तक रोज पैसे निकालने जाना थोड़ा मुश्किल है। रोजाना खर्च के लिए जब आप हार जाती हैं तभी अपने लिए पैसे निकाल के रख लीजिए और फिर धीरे धीरे खर्च कीजिए। और कभी जान मुश्किल में आ जाए तो मेरे ही जैसा बैंक मित्र आपके गांव के करीब किसी सुनिश्चित जगह पर आ जाएगा, आप उसे मिल सकते हैं। उसके पास एक ऐसा छोटा सा एटीएम होगा, इसे माइक्रो एटीएम कहते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको जो रुपए डेबिट कार्ड दिया गया है उसको इस तरह डालना है और अपना अंगूठा यहां इस तरह से लगाना है। यहां आपको रुपए डेबिट कार्ड के साथ जो 4 अंकों का पिन दिया गया है उसको यहां पर दबाना है। जितनी राशि आपको निकालनी है उतने पैसे आप निकाल सकते हैं। पर किसी और ने अंगूठा लगा दिया तो? सबके अंगूठे का निशान अलग होता है और आपके अंगूठे का निशान आपकी पहचान है। ऐसे कोई भी धोखे से आपके खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। बैंक मित्र आपको आपकी निकाली हुई राशि के साथ साथ आपको रसीद भी देगा और आपकी पासबुक में लिख भी देगा। अरे ये छोटा सा मशीन तो बड़ा ही काम का है। धन्यवाद बैंक मित्र जी। बैंक मित्र भैया, मैंने कई लोगों को घर बैठे ही मोबाइल से बाहर पैसे भेजते हुए देखा है, वो क्या चीज होता है? बिल्कुल सही, आप अपने मोबाइल से भी किसी को भी कहीं भी पैसे भेज सकते हैं और बैंक के कई काम कर सकते हैं। यानी बैंक के काम के लिए अब बैंक जाने की जरूरत ही नहीं। भैया जरा विस्तार से बताइए ना। चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो कैसे भेजेंगे? अगर कोई शहर जा रहा है तो उसके हाथ में दे देती हूँ, नहीं तो मनी ऑर्डर कर देती हूँ। अब किसी को जल्दी में पैसे भेजने हैं तो मनी ऑर्डर तो तुरंत नहीं पहुँच सकता ना, या किसी के हाथ पैसे भेजना भी सुरक्षित नहीं। बात तो सही कह रहे हो, पर आप कर भी कह सकते हैं। देखिए दो तरीके हैं किसी के खाते में सुरक्षित पैसे भेजने के। पहला, आप अपने बैंक में जाकर अपने खाते से पैसे निकाल कर जिस किसी के खाते में पैसे भेजने हैं भेज सकते हैं। आप अपने मोबाइल से पैसे भेज सकते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले आप अपने बैंक में अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करवा लीजिए। वहाँ आपको बैंक से एक गुप्त नंबर मिलेगा जिसे एम पिन यानी मोबाइल पिन कहते हैं। साथ ही आप अपने बैंक की शाखा की IFSC कोड, जो आपके बैंक शाखा की पहचान होती है, उसे भी बैंक वाले भैया से पूछ कर रख लें, या फिर अपने पासबुक से भी देख सकते हैं, यह वहाँ लिखा होता है। जब आपको अपना बैंक खाता इस्तेमाल करना हो तो आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से *99# मिलाएं। तुरंत आपसे आपके बैंक के IFSC कोड के पहले 4 अक्षर पूछे जाएंगे। तो यह IFSC कोड लिख दें। इसे लिखते ही मोबाइल स्क्रीन पर कई विकल्प आ जाएंगे। पैसे भेजने के लिए फंड ट्रांसफर चुनें, जितने पैसे भेजने हैं वह राशि लिख दें। इसके बाद आप जिसे पैसे भेजना चाहते हैं आप उसके बैंक का IFSC कोड और उसका खाता नंबर डाल दीजिए। साथ ही आपको अपने MPIN के खाते के अंतिम 4 अंक भी डालने होंगे। ऐसा करते ही उसे तुरंत पैसे मिल जाएंगे और दोनों को SMS द्वारा ट्रांसफर का संदेश भी मिल जाएगा। अरे वाह, इससे तो हम घर बैठे बैठे अपनी बिटिया को पैसे भेज सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी कहीं भी भेज सकते हैं।
और अगर भेजने में मुश्किल हुई तो मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत तो नहीं। ये बहुत ही आसान है, एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगी। और अगर फिर भी कभी दिक्कत होती है तो मेरी ही तरह किसी भी बैंक मित्र को पूछ सकती हैं।